ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से है कि एज पर सम स्टैटिस्टिक्स 800 मिलियन डॉलर की टोटल वर्थ है पाकिस्तान में एनुअली ऑनलाइन बिजनेस की। तो अगर हम देखें तो क्या इसके मजीद आगे से बढ़ने के चांसेस हैं? डेफिनेटली इसके बढ़ने के चांसेस हैं। अगर चंद ऑब्स्टेकल्स को अगर हम उसको कवर पाए कर पाए तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ये ट्रिपल ये फोर्थ टाइम भी बढ़ सकता है। अब हम इसको देखते हैं कि ये रीज़न क्या है कि ऑनलाइन बिजनेस के बढ़ने की वजह क्या है। कि एक तो पहली बात है कि टाइम मैनेजमेंट, लोगों के पास टाइम ज़रा कम है अपनी वर्किंग फील्ड को देखते हुए। एक उस पर बड़ी हद तक अगर हम देखें तो ये टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ ये ट्रैफिक जैम, जैसे आप उसमें भी आप ट्रैफिक टाइम के टेबल में ही आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट के टेबल में ही आ जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रीज़न क्या है किसी भी ऑनलाइन बढ़ने से, ऑनलाइन की नेचर के हवाले से या ऑफलाइन वर्किंग करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या आता है। वेयर हाउस है वो आपका, चाहे वो आपका एक घर का एक छोटा सा स्टोर हो सकता है या एक अनकमर्शियल जगह भी हो सकती है। आपको पता है कि अगर कमर्शियल जगह लेता है तो वो उसको लिए एक स्पेसिफिक, अगर ट्रेडिशनल वे में देखें तो उसको कमर्शियल जगह भी उस जगह पे देनी पड़ेगी जहां वो उसके लिए बिजनेस के लिए फिजिबल है, ठीक है। तो अगर वो इस तरह फिजिबल नहीं कर पाएगा तो उसके कस्टमर की रेंज में वो बंदा दूर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं मजीद कि अगर एक बंदा बिजनेस का कर लेता है तो इसके बाद उसके पास कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको वो कवर करके तो ऑनलाइन में मजीद आगे बढ़ सकता है। ऑनलाइन बिजनेस में देखिए, एक बंदे को उसके लिए ना उसके रैक की जरूरत है ना उसे किसी चीज़ों की और मजीद जरूरत है कि वो उसको बड़ा हाई फाई उसके एरिया में करे। समटाइम्स रैक ही और उसको इस चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए ही मिलियंस समटाइम्स लग जाते हैं। समटाइम्स ये शॉपकीपर के लिए भी मुश्किल हो जाता है इसको मैनेज करना। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन में क्या होता है कि उसमें जस्ट आपके लिए आपने जो आपने ऑनलाइन का बिजनेस है उसमें जस्ट आपने प्रोडक्ट की इमेजेस लेनी है, रियल इमेजेस, और उसके स्पेसिफिकेशन आपने अपलोड कर देनी है और उसकी मार्केटिंग अच्छे तरीके से करने के बाद, देखिए कोई भी बिजनेस है उसके लिए मार्केटिंग का टूल तो है। मार्केटिंग करने के बाद आपने वो आपके प्रोडक्ट आपके उस कस्टमर को चले जाती है। ऑनलाइन बिजनेस में दूसरे बिजनेस की तरह भी एक बिजनेस है, इसे आप इसे लाइट वे में नहीं ले सकते कि आप कहें कि चलें यार ठीक है ये काम चल रहा है। अगर आप उसको एक्सेल करना है या अच्छे तरीके से मार्क करना है तो इसके लिए बेटर है कि आप इसको प्रॉपर टाइम और हाजिर दिमागी और इसको अपने चीजों में वैल्यू एडिशन करके तो उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। आप अपना चैनल, अपना जो है ट्रांसपोर्ट का चैनल या कोरियर चैनल आप उसको करते हैं, अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्ट को कस्टमर को देते हैं और आपको उसके थ्रू पेमेंट आ जाती है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं, कौन कौन से ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये थोड़ा सा अभी मुश्किलात हैं ऑनलाइन बिजनेस में। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो, आपके बहुत बहुत शुक्रिया आपको वॉचिंग करने का। आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें हम इसको ब्रीफली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर